खबर गंज मसूदा से। जहां पर सिरोंज विदिशा जिले के सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का दूसरे समुदाय के युवक द्वारा बलपूर्वक अपहरण किया गया था, जिसकी कई दिनों तक पुलिस तलाश नहीं कर सकी। इस बात से नाराज होकर स्थानीय विधायक व साथ ही साथ स्थानीय लोगों ने खोला मोर्चा। देखिए पूरी खबर आईवीएन 24 न्यूज पर अमित पाल के साथ। रो रहे मेरे 14 साल की बेटी कार चली गई, कौन ले गया? पुलिस के लोगों साथ दे दो, पता बता दो। माही रहने के परेशान है, लेकिन 4 दिनों में बंधु पुलिस को दया नहीं आ रही, प्रशासन को दया नहीं आ रही। मैंने एसडीएम साहब से बात करी, उन्हें घटना का मालूम नहीं। मैंने कल फरियाद आई पुलिस डीआई के पास भेजा, सत्ता मामा करके भाई भैया। मैंने एसपी साहब से बात, कल शाम को सिरोंज में एसपी साहब आए, अरे 5 किलो ही कटोरी बाग था। एसपी साहब आपके पैरों में मेहंदी लगी थी क्या? जो टोरी बाग गिरफ्तार नहीं किया। नामजद रिपोर्ट है, बुरवास में अल्पसंख्यक वर्ग की बच्ची को लेके उसका पिता 4-5 दिन से जिला और भोपाल में फिर रहा है। उसकी भी रिपोर्ट लिखने से मना कर दी गई, और कहा कि तेरे थाने में जा भाई, कार्रवाई होगी और तू तो गांव छोड़ दे, ऐसा वहां की महिला जिम्मेदार अधिकारी ने कहा। इसकी मैं निंदा करता हूँ। क्या लग रहा है इस पूरे मामले में पुलिस की कार्यशैली क्या रही? लापरवाहीपूर्ण। क्या कदम आगे उठाएंगे? अगर ये अगर हमारे जो संगठन आगे मार्गदर्शन देंगे वैसे कदम उठाएंगे। प्रदर्शन थोड़ी बात हमारी लड़की को इसके संबंध में उसी वक्त बात दर्ज करके अनिल भाई यहाँ चालू कर दिया, और हमें पूरी उम्मीद है कि अगले 24 घंटे या 48 घंटे हम उसको बहस करते हैं। साइबर की मदद से किया जा रहा, हमारी दो पार्टी ऑलरेडी बाहर गई थी जो ललितपुर वगैरह में कैसे इंजीनियर होंगे इन्वेस्टिगेट करने में, स्वाभाविक तौर पर इसमें थोड़ा समय लगता है। कार्यकर्ताओं को इसी क्या जरूरत पड़ी, आधा घंटे चक्का जाम लगाकर यहाँ प्रदर्शन करना पड़ा, क्या पुलिस की लापरवाही इसमें रही? पुलिस की कोई लापरवाही नहीं, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस बहुत जल्दी से इस चीज़ को ट्रेस कर रही है। इस तरह चक्का जाम करना उचित है क्या? कोई कार्रवाई किस संबंध में इसकी हुई? किस संबंध में चक्का जाम? चक्का जाम ऐसा नहीं किया गया, चक्का जाम आके उन्होंने जो ज्ञापन प्रस्तुत किया है आरोपी की गिरफ्तारी कब तक कर सकती है? पूरी कोशिश की जा रही है, जितनी जल्दी हो सकती है उस आरोपी को। पुलिस के खिलाफ भी अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, इसको लेकर क्या कहेगी?